बैठा हूँ मैंने अभी, तो पहले सोचा था कि मैं आस्ते आस्ते कुछ हैवी करूँगा, बट हैवी के वास्ते छोड़ दिया, सिर्फ दो रोटी और थोड़ी सी सब्जी कुछ भी जो बनी हुई खा लूँगा, पराठा है तो मतलब अवॉइड कर रहा हूँ। और मैंने क्रिएटिन मंगाया, तो क्रिएटिन आ जाएगा आज, सो क्रिएटिन के भी शुरू करेंगे अपने। मसल प्लेस का मेरे को मिला था अराउंड 800 का मिल गया था मेरे को, और उसमें वो भी था शेयर का इंक्लूडेड था, तो अच्छा था वो सब मिलता था। शुरू हो जाएगा फिर दिन रहता है, यह है क्या क्रिएटिन में लगभग एक महीना तो लग जाएगा पूरी बॉडी में सैचुरेट होने में, तो वो हो जाए उसके बाद वर्कआउट से हो जाएगा। फिर 9 से तो कॉलेज खुल रहे हैं 9 सितंबर से, वो सब भी करना है, तो उसमें के बाद जिम की टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाएगी, सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन देखते हैं कल तो कॉलेज भी जाना है, फीस ही सब कर लिए थे उस करके अब तो कॉलेज स्टार्ट करेंगे। बस अभी फिर मेरा मसल ब्रेस का रूटीन 15 ग्राम्स और ये शेकर, तो आज बस इसको पहले बट ट्राई करते हैं, ट्राई करूँगा कि कैसा है, क्या टेस्ट है, क्या करना है। ये है कि पर डे इसको 3 ग्राम लेना है प्रिंसिपल ग्राम, और एक महीने के बाद सिचुएशन वगैरह के लिए अभी अराउंड आधे घंटे बाद जिम जाना है, तो अभी खा लेते हैं। और फिर या फिर मैंने सुना है कि इसको जिम के बाद प्रेफर करते हैं, सब देखते आ जाएगा। अब तो सोचा खुद जिम के बाद ही खाऊंगा, अराउंड 4:16 हो गए, तो बस अभी निकल रहा हूँ जिम के लिए। और आज बाइसेप डे, बाइसेप ऐसे मारूंगा, अभी घर आके फिर लूँगा क्रिएटिन का पहला डोज। ऐसे अनफ्लेवर्ड है तो मेरे को उस फ्लेवर का शौक भी नहीं, कैसा भी बस एफर्ट डालना चाहिए, तो देखते हैं। ओके, तो अभी यार लगभग 5:30 बजे मैं जिम से आ गया था, और इसमें मैंने चेक किया गूगल पे कि कितना पानी यानी होना चाहिए, उसमें दिखा रहा था 250 ml, उसमें मार्किंग भी है, आप पता नहीं यहाँ पर सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 250 ml की ये मार्किंग है। हाँ, ये दिखो इसको राइट पिच को, 250 ml की ये मार्किंग है। इसमें एक स्कूप चाय का 3 से 5 ग्राम, तो ओके ये है हमारा एक स्कूप। ये रहा एक स्कूप, तो काफी है, बस गिनना मत। तो मिक्स हो गया, हो गया है ना, मिक्स हो गया। सही है, अनफ्लेवर्ड मतलब अनफ्लेवर्ड, कोई पानी का कुछ टेस्ट नहीं है, हल्का सा कुछ, हल्का सा कुछ टेस्ट आ रहा, बहुत अजीब सा, मुझे समझ नहीं पाऊंगा, हाँ टेस्ट हल्का हल्का आ रहा है। इतना पर डे तो ठीक है, 50 ml, तो ये बस कंटिन्यू किया तो रुकेंगे नहीं, करते रहेंगे, देखते कितना निकलता है। और हाँ, मेरे को लगभग नवंबर में मेरे को जॉइंटिस भी मेरा हुआ था, ठीक हुआ था नवंबर तक का, तो उसके बाद अराउंड अब ये आ गया है अगस्त एंड, आज 29th of August है, तो ठीक है। जैसे कि मेरे को लीवर इन्फेक्शन था अभी जॉइंटिस, तो मैंने सबसे किया कि नहीं इस पर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपको बस ये है कि दिन में आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना है, तो आपको हेल्प करता है, सो इट्स ओके, तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर सोच रहे हो लेने के लिए तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते, बस हाँ ये ना हो कि जॉइंटिस की बीमारी चल रही हो तब क्रिएटिन पी ले पा रहे हो, नहीं तब क्रिएटिन मत लेना, ठीक हो जाओ उसके बाद लो। और वाटर लेवल्स आपको पूरी जरूर करनी है, ये नहीं कि वाटर लेवल्स छोड़ दे, पूरा करो उसको, पूरा पानी पियो अच्छे से, बी हाइड्रेटेड, बस यही तक है। देखो पर चाय या देखते चाय नमकीन कुछ मिल जाएगा तो खा लेंगे थोड़ी देर बाद ही से। बाय बाय।